नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम वैभव कनौजिया है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली में पढ़ता हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड व्हेन वी हैव सो मैनी ऑफ बैकलॉग। थैंक यू सर। धन्यवाद वैभव। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बच्चे ही नहीं, हमारे अभिभावक भी आपसे अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। सुजीत कुमार प्रधान जी, जो झारसुगुड़ा उड़ीसा से एक अभिभावक हैं, आपसे इसी विषय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। श्रीमान सुजीत प्रधान जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार प्रधान। मेरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम गतिविधि के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करें? धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्थापत्य और चित्रकला के धनी राजस्थान के जयपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा कोमल शर्मा आपसे अपनी परेशानी का हल चाहती हैं। कोमल, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू जयपुर कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दूँ? धन्यवाद। धन्यवाद कोमल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, एरन ईपन, अ क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ कतर, इज ओवरवेल्म्ड बाय अ सिमिलर प्रॉब्लम। एरन, please go ahead and ask your question. Namaste sir, greetings from MES Indian School, Doha, Qatar. My name is Aaron Epen of class 10. My questions to the Honorable Prime Minister of India are these: how to stop myself from procrastinating and how to keep away my exam fears and the sense of lack of preparation. Thank you Aaron. Honorable Prime Minister sir, Vaibhav, Mr. Pradhan ji, Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics. Also, many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well-integrated individuals. Kindly guide all of us, sir. कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है, हैं, और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है। किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको पता चलेगा। आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे, तो आप पकड़ पाएंगे कहाँ जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। तो एक खुद को जानना, और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान ले और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दे, ठीक है। फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको लगता है हाँ यार, सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको बताया था? नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करता, आपने पकड़ लिया। तो आपको मन करेगा हाँ
ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को ये जाके मत कहो यार मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। फिर आपके अंदर एक ऐसी वीकनेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपथी चाहेंगे, फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं, जरा मुझे पुचकारे पुलकारे, समय में जरा उत्साहित करे, मेरा लालन पालन करे। तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे। और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा, और मेरी ही निराशा मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास पैदा करूंगा। दूसरा है, हम किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मान लीजिए आपके ही पर घर में एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, थक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा। मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या? उस 2 साल के बच्चे को कोई प्राइम मिनिस्टर गया था कहने के लिए क्या? किसी प्राइम मिनिस्टर ने समझाया था क्या? अरे निराश मत हो जा बेटे, खड़े हो जा, दौड़ो, ऐसा कहने गया था क्या? जी नहीं। ईश्वर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी हम सब में रखी हुई है जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए वो ड्राइविंग फोर्स बनती है। छोटे बालक में भी होता है। हमने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व किया है? आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिविधि करता है, उसने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से करता है, लेकिन हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि देखिए भाई, ईश्वर ने उसकी इतनी शरीर में कमियां दी है लेकिन उसने हार नहीं मानी है, उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है। और वो शक्ति खुद को तो दौड़ाती है, वो शक्ति अगर देखने वाला नहीं, ऑब्जर्व करने वाला जो निरीक्षण करता है उसको भी प्रेरणा देती है। हम कोशिश करें, हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको हम उस रूप में ऑब्जर्व करें, उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व ना करें, उस कमियों को उसने कैसे मात किया है, उन कमियों को वो कैसे मात करता है, उस प्रक्रिया को बारीकी से देखिए। आप फिर अपने आप को उसके साथ कोरिलेट करेंगे कि हाँ मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायद ऐसा कर सकता हूं, ईश्वर ने तो मुझे हाथ पैर सब बहुत बढ़िया दिया है, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं क्यों चुप बैठा हूं। आप खुद दौड़ने लग जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विषय है, क्या कभी आप खुद की एग्जाम लेते हैं क्या? आप अपनी एग्जाम भी तो कभी लीजिए, कोई आपके एग्जाम क्यों ले? जैसे मैंने शायद मेरी जो किताब है एग्जाम वॉरियर, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तू क्या समझते हो,
मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। तुम क्या होते हैं मेरी एग्जाम लेने वाले, मैं तुम्हारी एग्जाम ले रहा हूं, मैं देखता हूं तुम मुझे नीचे गिरा करके दिखा दो, मैं तुम्हें नीचे गिरा करके दिखा देता हूं। कभी तो करिए। कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं ये जो सोचता हूं सही है गलत है। आप ऐसा कीजिए, एक बार रिप्ले करने की आदत बनाइए। रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक एक नया नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर कुछ सीख करके आए हो, आपके तीन चार दोस्त हैं बैठिए, और आज जो सीखा है आप ही टीचर बनके आपके तीन दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और तीन को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और तीन को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितना जितने पाया होगा वो परोसेगा और हर एक को ध्यान में आएगा, देखिए यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है कुछ नहीं है, सुना सुना है, आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा। आप चीजों को, अब आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी ये टीवी वाले खड़े हो जाते हैं ना डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इधर उधर इधर उधर हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक गांव की महिला है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कोई टीवी वाला पहुंच गया, उसने बेचारी को टीवी क्या है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया, आप देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सारा वर्णन कर देती है कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फलाने आए थे, डिगने आए थे, ऐसा, यानी परफेक्टली चीजों बता, क्यों? क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसात कर लेते हैं और उसके कारण उसको रिप्ले बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप अपने आप को खुले मन से इन चीजों से जोड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है।